कृषि बिल के विरोध में किसान उग्र होते जा रहे हैं। बुधवार को अंबाला में चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर काफी तनाव रहा। काफी संख्या में पंजाब के किसान बॉर्डर पर पहुंचे क्योंकि वे दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए बॉर्डर पर पुलिस बल और अर्ध सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। इस वजह से चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत प्रदेश की रोडवेज बसें पंजाब में नहीं जाएंगी। मनोहर सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। जब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा, हरियाणा रोडवेज की कोई बस पंजाब नहीं जाएगी। इसके साथ ही सभी रोडवेज डिपो को अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। डिपो को 5-5 अतिरिक्त बसें रखने को कहा गया है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों की ओर से 26 नवंबर को दिल्ली का आह्वान किया गया। इसके मद्देनजर मनोहर सरकार ने हरियाणा पंजाब बॉर्डर सील कर दिया है। वही सरकार ने आदेश दिए हैं कि पंजाब की ओर से कोई भी हरियाणा में घुस ना पाए। लेकिन अंबाला के मोहड़ा पे भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में प्रदेश के कई जिलों के किसान इकट्ठा हुए थे। उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान किसानों और पुलिस वालों में टकराव हो गया, झड़प भी हुई, यहां तक कि किसानों ने बैरिकेड्स भी तोड़ दिए। इसके चलते हरियाणा पुलिस को किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। बता दें कि चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेड लगाकर सड़क पर आवागमन रोक दिया गया है। अंबाला में मोहड़ा मंडी के पास रैपिड एक्शन फोर्स की टीम तैनात है। पुलिस ने सभी जिलों में नाकेबंदी बढ़ा दी है। पंजाब जाने वाले मुख्य रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जींद में दाता सिंह वाला बॉर्डर और अंबाला में देवीनगर और सद्दोपुर बॉर्डर सील किए गए हैं। झज्जर समेत रेवाड़ी कई जिलों में धारा 144 लगा दी है। सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर नाकेबंदी कड़ी कर दी है। डीजीपी मनोज यादव ने बताया कि केंद्र से रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनियां बुलाई हैं। इन्हें सिरसा, अंबाला, जींद में पंजाब बॉर्डर और सोनीपत में दिल्ली बॉर्डर पर तैनात किया है। पुलिस की 14 अतिरिक्त कंपनियां भी लगाई हैं। किसानों को पंजाब से एंट्री करने व दिल्ली जाने से रोकने पर फोकस है। इस बीच सीएम मनोहर लाल ने किसानों से दिल्ली कूच वापस लेने की अपील की है। किसान संगठनों के मुख्य फोकस में हरियाणा से दिल्ली जाने वाले 4 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग रहेंगे। इनमें अंबाला दिल्ली, हिसार दिल्ली, रेवाड़ी दिल्ली, पलवल दिल्ली हाईवे होंगे। अंबाला के शंभू बॉर्डर, भिवानी के गांव मुढ़ाल चौक, करनाल में घरोंडा मंडी, बहादुरगढ़ में टीकरी बॉर्डर व सोनीपत में एजुकेशन सिटी राई में भी किसानों के एकत्रित होने की संभावना है। पुलिस पंचकुला, अंबाला, कैथल, जींद, फतेहाबाद व सिरसा में पंजाब से हरियाणा में प्रवेश करने वाले बॉर्डर पॉइंट्स पर यातायात डाइवर्ट कर सकती है। समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। साथियों, आज दिल्ली कूच का प्रोग्राम हमने मोड़ा अनाज मंडी से रखा था और मोड़ा अनाज मंडी पे बैरियर लगा दिया गया था। वहाँ भारी पुलिस बल जो है वो तैनात था और हमने जो बैरियर है वो तोड़ के हम दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। 15 किलोमीटर हम रोड पे निकल चुके हैं। हमारी सब भाइयों से बेनती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली के लिए कूच शुरू कर दें। अपने ट्रैलियों में, अपनी गाड़ियों में, ट्रैली हो तो तिरपाल लगाएं और जिसके पास गाड़ी हो, जिस प्रयासन से भी कोई आ सकता है, वो दिल्ली के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में कूच कर दें और हम हर बैरियर तोड़ के दिल्ली पहुंचेंगे और अपनी बात को मनवा के ही वापिस लौटेंगे। मेरा सब भाइयों से, हरियाणा के सब भाइयों से अनुरोध है और के ज्यादा से ज्यादा संख्या में कूच करें और पंजाब के भाइयों से भी अनुरोध है कि हर बैरियर तोड़ के आए और दिल्ली को आगे घेरे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.